गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलीनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलीनोमियल। हमने चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलीनोमियल सेकंड पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं डिवाइड करके। अगर रिमाइंडर 0 आए तो उसका मतलब होगा फर्स्ट पॉलीनोमियल सेकंड का फैक्टर है। टू टी रेज टू पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ये हमारा सेकंड पॉलीनोमियल है। इसको डिवाइड करेंगे t² माइनस 3, जो हमारा फर्स्ट पॉलीनोमियल है। सबसे पहला स्टेप, 2t⁴ को डिवाइड करेंगे t² के साथ, ये हमें मिल जाएगा 2t² को इधर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2t² × t², 2t⁴ माइनस 6t², तो इधर लिखेंगे इसको 6t², स्क्वेयर वाली टर्म के नीचे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा ये प्लस। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो निशान चेंज होते हैं, हमें क्या मिल जाएगा 3t³ 6t² माइनस 2t² प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12, ये आगे माइनस 90 और माइनस 12, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3t³ डिवाइडेड बाय t², ये हो जाएगा 3t, 3t इधर लिखेंगे 3t × t² 3t³, 3t × −3 माइनस 90, ये इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा 4t² माइनस 12, फिर 4t को डिवाइड करेंगे 4t² को t² के साथ, ये हमें मिल जाएगा 4, कैंसिल होगा ये प्लस 4, इधर लिखेंगे 4 × t² 4t², 4 × −3 माइनस 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस का होगा ये प्लस का, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर t² माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12, ऐसे करना है। फिर पावर सेकंड देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 x² प्लस 3x प्लस 1 के साथ। सबसे पहला स्टेप 3x⁴ को डिवाइड करेंगे x² के साथ, इसको इसके साथ, तो हमें मिल जाएगा 3x², ये इधर लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x² × x² 3x⁴ 3x² × 3x 9x³, ये आ गया, फिर 3x² × 1 3x², फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस का हो जाएगा ये भी ये भी, ये कैंसिल होगा, जो हो जाएगा माइनस 4x³, और ये होगा माइनस 3 और माइनस 7 माइनस 10x², साथ में ये आ जाएगा प्लस 2x और प्लस 2, फिर अगला स्टेप माइनस 4x³ को डिवाइड करेंगे x² के साथ, ये हो जाएगा माइनस 4x, इधर लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस 4x³, फिर माइनस 12x², फिर माइनस 4x, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे
ये प्लस का होगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसिल होगा। 12 माइनस 10, 2x² 4 प्लस 2 6x, और ये 2, ये वाला। फिर करेंगे डिवाइड 2x² को x² के साथ, इसको इसके साथ, जे आ जाएगा 2, तो इधर लिखेंगे प्लस 2, ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 2, ये सेम आ गया हमारा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे निशान चेंज होंगे, 2x² माइनस 2x² 0, 6x माइनस 6x 0, 2 माइनस 2 0, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। देयरफॉर x² प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, इसका फैक्टर ये हो गया। बच्चों ये जो पॉलीनोमियल की डिवीजन है सेम वैसे ही करनी होती है जैसे नंबर की डिवीजन होती है। वहां भी तीन स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे स्टेप में सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर ड्रॉप डाउन करते हैं जहां ब्रिंग डाउन करते हैं डिजिट ऊपर से नीचे। जहां क्या फर्क है, एक तो जहां पॉइंट का स्कोप नहीं होता, बाकी स्टेप सेम ही है, और दूसरा हमने जो भी इधर बचे पूरा नीचे करना होता है। नंबर की डिवीजन में हम 1 बाय 1 डिजिट नीचे शिफ्ट करते हैं, तो जहां जो भी बचे वो पूरा कर देना होता है, यही फर्क है। तो ये कर लें आप। थैंक यू।